गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर सुष्मिता रॉय। वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास वंस अगेन। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, द स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स। हमारी जो बॉडी है एक अमेजिंग मशीन की तरह वर्क करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्क एक साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में कई ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे, जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। लिविंग थिंग्स का एक मेन फीचर है मूवमेंट करना। हमारी बॉडी में बहुत टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, जैसे वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हार्ट बीट्स एंड रेस्पिरेशन। इन सभी में हमारी बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन मूव करता है। हमारी बॉडी बोन्स और मसल से मिलकर बनी हुई है, जो हमें डिफरेंट मूवमेंट्स करने में हेल्प करते हैं, जैसे लिखने में, पढ़ने में, चीज़ों को उठाने में, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में। हमारी बॉडी में बहुत सारे बोन्स एक साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसे हम स्केलेटन कहते हैं, और इस पूरे सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। स्केलेटल सिस्टम हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, यानी हमें सीधा खड़े होने में, चलने में, बैठने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। बोन्स हार्ड होती हैं तो बोन्स क्या करती हैं, हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करके रखती हैं, ताकि उन्हें कोई चोट ना पहुँचे, उनमें कोई डैमेज ना हो। फॉर एग्जांपल, रिब केज एंड स्कल, जो तुम्हारे हार्ट और ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट। हमारे बोन्स के बिना हम अपने मसल्स को मूव नहीं कर सकते, क्योंकि मसल्स को फिर अटैच होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए स्केलेटल सिस्टम हमें मूव करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट फीचर इज स्टोरेज। हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं, जिसमें बहुत सारे फैट और मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, यानी स्टोर होते हैं। इसके अलावा हमारे बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड सेल फॉर्मेशन का काम करता है। बोन मैरो हॉलो बोन्स में प्रेजेंट सॉफ्ट टिश्यू है, जो कि ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एक बेबी के बॉडी में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? एक बेबी के बॉडी में मोर देन 300 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी बोन्स आपस में जुड़ती जाती हैं, यानी फ्यूज़ हो जाती हैं, और अडल्ट होने पर उनके अंदर केवल 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। यानी अडल्ट्स में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स। नाउ वी विल नो अबाउट स्कल। हमारे जो हेड के बोन्स हैं वो एक साथ मिलकर स्कल बनाते हैं। हमारा स्कल 22 बोन्स को जोड़कर बनता है। स्कल का काम हमारे ब्रेन को और सेंस ऑर्गन्स को, जैसे ईयर, आईज, टंग, इनको प्रोटेक्ट करना है। स्कल का जो अपर पोर्शन है वो 8 फ्लैट बोन से मिलकर बना हुआ है, जो हमारा ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम बनाते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट रहता है। स्कल की सभी बोन्स एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं और इमूवेबल होती हैं, यानी वो मूव नहीं कर सकती, एक्सेप्ट हमारा लोअर जॉ। यानी केवल लोअर जॉ ही हमारे पूरे हेड के बोन्स में मूव कर सकता है, बाकी कुछ भी मूव नहीं कर सकता है। हमारे बैक साइड में नेक के नीचे से नीचे वेस्ट तक छोटे छोटे बोन से मिलकर एक वर्टेब्रल कॉलम बनी हुई है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और इन छोटे बोन के पीसेस को हम वर्टेब्रा कहते हैं, इसीलिए इसका नाम वर्टेब्रल कॉलम है। वर्टेब्रल कॉलम टोटल 33 वर्टेब्रा, यानी स्मॉल बोन से मिलकर बनती है। वर्टेब्रल कॉलम को बैकबोन भी कहा जाता है।
बैकबोन के सेंटर में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड जाती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे बाकी नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है जो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बैकबोन हमें सीधा खड़े होने में, झुकने में और अपने आप को ट्विस्ट करने में यानी लेफ्ट और राइट मोड़ने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रिब केज। रिब केज डेलिकेट बोन से बना हुआ होता है जो हमारे चेस्ट कैविटी को पीछे से आगे तक कवर करता है। ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ह्यूमन रिब केज में 12 पेयर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ये बोन्स हमारे बैक बोन से जॉइन होती है और सामने चेस्ट तक आती हैं। नीचे से 2 पेयर ऑफ रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है क्योंकि ये हमारे बैकबोन से जॉइंट होती हैं बट सामने चेस्ट में स्टर्नम से जॉइंट नहीं होती। आप देख सकते हैं सामने चेस्ट में जो बोन प्रेजेंट है जिससे रिब्स जॉइंट हैं उसे स्टर्नम कहते हैं। हमारी बॉडी में हाथों और पैरों के बोन्स को फिट करने के लिए बोनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम गर्डल्स कहते हैं। हमारी बॉडी में दो टाइप के गर्डल्स पाए जाते हैं, शोल्डर गर्डल जिसे हम पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं एंड पेल्विक गर्डल जिसे हिप गर्डल बोला जाता है। पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है जिसमें हमारे आर्म के बोन्स फिट होते हैं एंड पेल्विक गर्डल हमारे वेस्ट में प्रेजेंट होता है जिससे हमारे लेग के बोन्स फिट होते हैं। पेक्टोरल गर्डल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेल्विक गर्डल होता है क्योंकि यह हमारे पूरे बॉडी वेट को बैलेंस करता है। बॉडी के सेंटर में है इसलिए बॉडी वेट को बैलेंस करता है। नेक्स्ट इज द लिम्ब्स। हमारे पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स होते हैं। हैंड्स के पेयर को हम फोर लिम्ब्स बोलते हैं और लेग के पेयर्स को हम हिंड लिम्ब्स बोलते हैं। हर आर्म में, अपर आर्म में जो बोन प्रेजेंट होती है उसे हम ह्यूमरस बोलते हैं और लोअर बोन को रेडियस और अल्ना बोलते हैं। पूरे हैंड में या आर्म में टोटल 30 बोन्स प्रेजेंट होती हैं और हर लेग में, थाई में जो बोन प्रेजेंट होती है वो हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है जिसका नाम है फीमर, और लोअर लेग में 2 बोन्स एक साथ जुड़ी हुई होती हैं जिनका नाम है टिबिया एंड फिबुला। आपके पाम में और फुट में बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स जॉइंट होती हैं जो आपको हैंड और लेग के मूवमेंट्स करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज जॉइंट्स। जहाँ पर 2 बोन्स आपस में जुड़ती हैं कुछ टिश्यूज़ की हेल्प से उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवेबल और कुछ इमूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। बोन्स आपस में जिस टिश्यू के थ्रू जुड़ती हैं उसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। यानी बोन और बोन एक साथ किससे जुड़े होंगे, लिगामेंट्स की हेल्प से जुड़े हुए होंगे। इमूवेबल जॉइंट हमारे स्कल में प्रेजेंट होती हैं। हमारा जो स्कल है बहुत सारे बोन्स के फ्यूज़ होने से या जुड़ने से बना हुआ है और ये बोन्स एक जगह पर फिक्स होती हैं, मूव नहीं कर सकती हैं या किसी भी टाइप का मूवमेंट अलाउ नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें इमूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो बॉडी के मूव करने वाले पार्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे आपके लिम्ब्स यानी हाथ और पैर के जॉइंट्स आपके मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं जैसे द पिवट जॉइंट, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। फर्स्ट इज पिवटल जॉइंट या पिवट जॉइंट। पिवटल जॉइंट आपको हर डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। पिवटल जॉइंट हमारी बॉडी में स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के
स्टार्टिंग के दो वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी हमारे वर्टिब्रल कॉलम को और स्कल को जोड़ने का काम करता है। आप अपने नेक को हर डायरेक्शन में घुमा सकते हो ना, क्योंकि पिवटल जॉइंट हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आपके शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि एक सॉकेट, जैसे बल्ब का सॉकेट या कप होता है, उसके अंदर एक राउंड बॉल जैसी बोन फिट होती है, इसीलिए इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट अलाउ करते हैं। जैसे आप अपने हैंड्स को और लेग्स को हर डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं और स्विंग कर सकते हैं, यानी झुला सकते हैं। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। हिंज जॉइंट्स आपके एल्बो, नी, एंकल और फिंगर्स में प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा है कि आप अपने फिंगर्स को आगे की तरफ तो पूरा मोड़ सकते हो, बट पीछे की तरफ पूरा नहीं मोड़ सकते हो, क्योंकि हिंज जॉइंट केवल आगे की तरफ ही मूवमेंट अलाउ करता है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स केवल ग्लाइड करने के मूवमेंट्स को ही अलाउ करते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो कि आप अपने हाथ को लेफ़्ट और राइट में ग्लाइड कर सकते हो, एंकल को लेफ़्ट राइट ग्लाइड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपके बैकबोन के वर्टिब्रे के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं, तभी आप बेंड हो पाते हो और फिर सीधा खड़े हो पाते हैं। नेक्स्ट इज मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट हैं। मसल्स की हेल्प से ही हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 600 मसल्स पाई जाती हैं। मसल्स सॉफ्ट और फ्लैशी पार्ट हैं हमारी बॉडी का, यानी ये बहुत मुलायम और फ्लैशी होती हैं। हमारी बॉडी की मोस्ट ऑफ द मसल्स हमारे बोन से जॉइंट होती हैं, यानी जुड़ी हुई होती हैं। जिस मटेरियल के थ्रू मसल्स बोन से जुड़ती हैं, उसे हम टेंडन्स कहते हैं। हमारी बॉडी में 3 टाइप ऑफ मसल्स पाई जाती हैं, जिसमें से फर्स्ट है वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स। वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स जिन्हें आप अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हो, उन्हें हम वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल कहते हैं। हमारी बॉडी में मोर देन 600 स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बोन से जुड़े हुए होते हैं, और इनमें दो टाइप का अपोजिंग मूवमेंट होता है, यानी अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी मसल रिलैक्स करती है, तभी मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ये मसल्स हमारे आर्म्स, लेग्स, आईज और टंग में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए हम इनकी हेल्प से ईजिली रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग और रनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टमक, हार्ट एंड इंटेस्टाइन में। ये ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, यानी आप इन्हें अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपका फूड, आप जब फूड को खाते हो वो ऑटोमेटिक आपके फूड पाइप में मूव करता है और डाइजेस्ट होता है। थर्ड टाइप ऑफ मसल इज़ कार्डियक मसल्स, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं और ये बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये बिना रुके काम करती हैं, यानी कंटिन्यू वर्किंग रहती हैं। मसल्स में दो टाइप का मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या एक्सपेंशन। आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में दो टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट हैं, बाइसेप्स की एंड ट्राइसेप्स की। जब आप अपने आर्म को फोल्ड करते हैं तो बाइसेप्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ट्राइसेप्स की रिलैक्स, इसीलिए मूवमेंट होता है। और जब आप अपने हैंड को स्ट्रेट करते हो तो आपके ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बाइसेप्स के मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं। इस तरीके से कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या एक्सपेंशन के मूवमेंट की वजह से ही आपके बॉडी पार्ट्स मूव कर पाते हैं।
लास्ट इज़ एक्सरसाइज एंड प्रॉपर पॉस्चर। एक्सरसाइज सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। अच्छे ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन की वजह से ही आप हेल्दी बनते हैं। आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे जॉगिंग, प्लेइंग बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। रेगुलरली एक्सरसाइज करने से आपके हार्ट, लंग्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, इसीलिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और गुड पोस्चर यानी स्टैंडिंग, वॉकिंग और सिटिंग के टाइम पर अपने बैकबोन को स्ट्रेट रखकर बैठना चाहिए, तो आप हेल्दी बन सकते हैं और एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।